नमस्कार और आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती। उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती के ब्लॉक रुधौली के अंतर्गत ग्राम सभा हसनी के ग्रामीणों ने सफाई व्यवस्था को लेकर उप जिलाधिकारी रुधौली को दूरभाष के माध्यम से शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि काफ़ी दिनों से सफाई कर्मी ग्राम सभा में आते ही नहीं हैं, जिससे गांव में गंदगी का अंबार लग गया है। तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विभिन्न जगहों पर नाली नाले टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी एकत्रित हो रहा है। हम ग्रामवासी कभी भी गंभीर बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। बस्ती उत्तर प्रदेश सहित देश दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और भारतीय बस्ती संवाददाता ब्रह्मदेव पांडे की यह खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, भारतीय बस्ती खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं वीडी पांडे और आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती। रुधौली ब्लॉक के ग्राम सभा के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता हसनी, हसनी में मैं खड़ा हूँ। कुछ ग्रामीणों ने शिकायत किया है कि ग्राम सभा में भले नाली और ये गंदगी को लेकर के ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं, आक्रोशित हैं। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे सरकार सुअर मच्छर गंदा पानी को लेकर के तमाम अभियान चला रहा है, जिससे गांव में किसी तरह की बीमारी ना फैले। सुअर और मच्छर को लेकर के मलेरिया जैसी भयानक बीमारी और गंदगी को लेकर के तमाम बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। ऐसी स्थिति में उस बीमारी की चपेट में ये हसनी ग्राम सभा कभी भी आ सकती है। आप देख सकते हैं, ये नाला है, सड़क के ऊपर पूरा पानी भरा हुआ है और इससे ही अनुमान ये लगा सकते हैं हम क्या पूरे अधिकारी और गांव सभा के लोग और सक्षम अधिकारी भी इसको देखने के बाद उनको ये पता लग जाएगा कि क्या सफाई कर्मी आपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है या नहीं। अब हम कुछ ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मैं चाहूँगा कि इधर जो खड़े हैं इनके उस तरफ निकल लाइए इनकी। अब हम कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे जो यहाँ के निवासी हैं और इस गंदगी का सामना ये कैसे कर रहे हैं और इन्होंने अब तक क्या किया। आएंगे बोले चलो आ जाइए उनके साथ में। इधर देखिए, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम महबूब आलम है। इसी गांव के निवासी हैं? हाँ बेशक। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो गंदगी दिख रहा है ये कितने दिन से गंदगी लगी हुई है? ये गंदगी तो बहुत काफ़ी दिनों से है जी। हाँ, और ये गंदगी जो है अभी साफ सुथरा नहीं हो रहा है और न कोई इसको देख रेख कर रहा है। क्या सफाई कर्मी आप यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं? अब सफाई करनी आते हैं, थोड़ा बहुत साफ करते हैं और चले जाते हैं। नाली नहीं साफ करते हैं? नहीं, नाली नहीं साफ होती। कितना दिन हो गया सफाई कर्मी नहीं आया? यहाँ तो नाली का तो कोई यहाँ नाली कायम नहीं है। यहाँ पे जो रास्ता पानी भरा हुआ है और बाकी जो है नाली के लिए व्यवस्था आज कई बरस से होना चाहिए तो नहीं हो रहा है। तो नाली यहाँ बनना चाहिए, नाली नहीं बनेगा तो कचरा होगा यहाँ पे। और बाकी जगहों पे गांव के अंदर देख लीजिए आप, नाली जो मस्जिद के सामने है और वहाँ भी जो है, मैं वहाँ पे कई मरतबा मैं साफ़ किया हूँ और जो हम लोग साफ़ करते रहते हैं, लोग आते हैं कुछ साफ़ करते हैं तो कचरा ऊपर उठा के रख देते हैं, उसको फेंकते भी नहीं हैं। हाँ पड़ेगी सर। ये हसनी के कुछ ग्रामीणों ने दूरभाष के माध्यम से आपसे कुछ शिकायत और अपने गाँव की समस्या बताई है, प्रकरण में आपके द्वारा किस तरह का आश्वासन दिया गया और क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? उनकी शिकायत सफाई को लेकर थी, जिसमें बीडीओ रुधौली को बता दिया गया है और कल जांच के लिए टीम जाएगी और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनकी समस्या का निराकरण कराया जाएगा।